से रोज पूछा करते हो, आते जाते हाल मेरा, तुमको है गर इश्क मुझसे तो, आके थामो हाथ मेरा। आपने बताया कि मैं ये गानों के लिए बहुत ही पैशनेट कैसे इंस्पायर हुआ लॉकडाउन के दौरान। मेरा एक एक क्यूरियोसिटी होता है कि नहीं कुछ क्रिएटिव चीज़ें को मैं अपग्रेड करूं, तो लॉकडाउन के दौरान मैंने कुछ चीज़ें कुछ गाने अपग्रेड किए, उनमें से मुझे ये प्रेरणा मिली कि नहीं मैं अच्छे गाने मैंने क्रिएट किए। हमारी टीम है, जैसे कि वो हाजिर नहीं है, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर मनीष भानुशाली, वो हमारे से 600 किलोमीटर दूर थे लॉकडाउन के दौरान। मेरे लिरिक्स एडिटर पिंटू सिंह, जिसको घनश्याम सिंह ओरिजिनल नाम है, स्क्रीन नेम पिंटू सिंह है, वो 1100 किलोमीटर दूर यूपी के बलिया जिले में छोटे से गांव में रहते हैं। तो एक हमने कोऑर्डिनेशन एक बनाए रखा और अच्छे गाने हमने क्रिएट किए, और वहाँ लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ हमने इस गाने को बेहतरीन अंजाम देने के साथ साथ हमारी प्रिया और मोहित को हमने बकायदा एक ये जो हमारे दो गाने हैं हाल मेरा और सिर फिरा दिल, वहाँ पे हमने इन गानों को एक बकायदा हमने एक ट्रेनिंग सेशंस रखा। हमारे नए आर्टिस्ट है, पैशनेट है, उनमें टैलेंट भरा हुआ रहता है। आज नए आर्टिस्ट में भी टैलेंट रहता है, लेकिन आप उसको किस तरह से स्क्रीन पे प्रेजेंट करके उनको अपॉर्चुनिटी के स्कोप्स देते हैं वो एक मायने रखता है। इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और मुझे खुशी है कि मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जैसे कि हाल मेरा का 2-3 दिन में 3 लाख के ऊपर व्यूज़ गया है, तो हाल मेरा और जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन था और जैसे जैसे हाल मेरा को और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलेंगे, और सिर फिरा दिल और मेरा तीसरा भी सॉन्ग आ रहा है योर गर्लफ्रेंड, तो सबके लिए मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। बहुत ही उसमें एक इनोसेंसी हमने दिखाई है। सिर फिरा दिल जो गाना है वो सैड लव स्टोरी है, लेकिन कहीं पे हमने वायलेंस नहीं दिखाया है। ज़्यादातर क्या होता है कि सैड लव स्टोरी में वायलेंस होता है, या लड़का अपने आप को हार्म करता है, या किसी और को हार्म करता है, या नेगेटिविटी का सहारा लेते हैं, जो कि एक मैसेज, सोशल मैसेज भी जाता है। आज लोग फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, डायरेक्टर को फॉलो करते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं क्या पहनते हैं क्या नहीं करते हैं। जब सैड होते हैं ब्रोकन होता है। सिर्फ मेरा दिल है कि ब्रोकन लव स्टोरी है, तो ब्रोकन लव स्टोरी में कैसे हम अपने आप को संभालें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस रिश्तों को हम जोड़े, ये हमने दिखाने की कोशिश की आपको। सिरफिरा दिल 1 अप्रैल रिलीज़ हो रहा है जी म्यूज़िक से, और मैं थैंकफुल हूँ जी म्यूज़िक का भी कि हमारे इस कॉन्सेप्ट को, हमारा प्रोडक्ट को उन्होंने पसंद किया। एंड थैंक यू सो मच। मेरे लिए ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था जो सर ने मुझे दिया, एंड आई फील ब्लेस्ड कि सर ने मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया। पहले मैं बहुत ज़्यादा, जब मैं, सर ने बहुत हार्डवर्क करवाया हमसे, एंड कुछ भी नहीं था। सर ने एक प्लेटफॉर्म दिया, सर से बातचीत होती थी, एंड सर ने कहा कि नहीं अब ठीक है, अब एक करते हैं, अब थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते हैं। तो सर ने अपॉर्चुनिटी दी एंड मैंने उसको फेस किया। पहले मैं कुछ भी नहीं थी, अब मुझे शायद 3 लाख लोग जानते हैं, एंड आई एम सो ब्लेस्ड। एंड जब मैं सेट पे भी पहुंची, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी बाहर वालों के साथ काम कर रही हूँ। सर ने मुझे एज अ ट्रीट किया फैमिली मेम्बर,
एंड थैंक यू सो मच सर. इनकी मेहनत है, वो कैसे कैरेक्टर को, दोनों की मेहनत है, एक कैरेक्टराइजेशन होता है, प्रिया प्रिया नहीं है, मोहित मोहित नहीं है. जब वो स्क्रीन पे आए, जो एक रिहर्सल्स का जो एक दौर था, स्ट्रिक रिहर्सल्स था, मैंने उनको बोला आप मोहित नहीं हो, आप प्रिया नहीं हो, आप वो कैरेक्टर हो, और कैरेक्टर में जो इनोसेंस है वो आपको पोर्ट्रे करना है, तो उन्होंने वो कैप्चर किया. तो हैट्स ऑफ टू देम के उन्होंने, मेरा एक विजन था, मेरा एक सिखाना था, लेकिन उन्होंने सीखा. तो ये एक टीम वर्क की तरह ये बहुत ही सक्सेसफुल हाल मेरा गया है. तो थैंक यू प्रिया, थैंक यू मोहित. एक्चुअली पहले तो मैं थैंक कहना चाहूँगा सुनील सर को कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने मेरे को. और बैकग्राउंड की बात रही तो आई कम फ्रॉम बरेली यूपी. मैं बहुत टाइम से मुंबई में हूँ, कभी भी इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को आज तक फेस नहीं हुई, बिकॉज यू नो एवरीथिंग, किसी को ऐसा चांस नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है आपको. सुनील सर से मैं ऑनलाइन मिला था, सर ने मेरे कम से कम 5 से 6 बार ऑडिशंस लिए थे फॉर दिस सॉन्ग, एंड ही ट्रेन मी सो वेल दैट मैं सेट्स पे जब गया था तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आई एम फेसिंग द कैमरा और मुझे नर्वस होना चाहिए या फिर मेरे की प्रैक्टिस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं था. बिकॉज हम लोगों ने ट्रेनिंग में, रिहर्सल्स में इतनी प्रैक्टिस की थी कि वो कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ चुके थे. एक्चुअली जब 2-3 दिन बाद जब सॉन्ग ख़त्म भी हुआ था तब भी वो कैरेक्टर मेरे अंदर ही था. एक्चुअली मैं शाय होके ही हंसता था, इधर से उधर जाता था, ये सब ही कर रहा था. सर ने एक्चुअली मेरे से कहा भी था कि जब भी कहीं भी जाओ या फिर कुछ खाओ हमेशा शाय कैरेक्टर में ही रहो, बिकॉज जब आप कैमरा फेस करोगे तो वो चीज़ नेचुरल दिखेगी आपको. तो ही गाइडेड अस सो वेल, और इनका विजन बहुत ही क्लियर है सर का, और पूरी टीम इतनी अच्छी है. प्रिया है, प्रिया ने इतना टैलेंट है उसके अंदर, सिंगिंग भी की, एक्टिंग भी की, एवरीथिंग गोज सो वेल. And thank you for everything. सुनील जी, ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी म्यूजिक वीडियो है या तो फिल्म स्टार्स को लेकर बनाते हैं कंपनीज जो है, या फिर टीवी स्टार्स हो या सोशल मीडिया स्टार्स हो या मॉडल्स हो, नए लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, कितना बड़ा रिस्क फैक्टर मानते हैं इसको, और अपने में कितना ज्यादा ये समझ रहे हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि आगे चलकर आपके रिजल्ट अच्छा होगा. बिल्कुल, मेरा पिछला गाना जब से तुम आई हो उसमें भी मैंने नए 3 टैलेंट्स को लॉन्च किया था. उसमें मैंने एक ब्लाइंड स्केच आर्टिस्ट, एक नए लड़के को ब्लाइंड स्केच आर्टिस्ट बनाया था. उसका भी बकायदा 5 महीना वो कैरेक्टर में ढालने के लिए. एक नया कैरेक्टर मैं जब उठाता हूँ तो मुझे पहली चीज़ कि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंट होता है. तो आज टैलेंट नया है लेकिन मुझे अपने आप पे है कि मुझे उनसे काम निकाल सकता हूँ, और वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और उनको मैं कैरेक्टर देता हूँ, वो कैरेक्टर उनको समझाता हूँ, उनको बकायदा टाइम देता हूँ. देखिए ये चीज़ है कि ओवरनाइट नहीं होती है, 1-2 दिन में वो कैरेक्टर नहीं समझते हैं. नए कैरेक्टर्स को आपको टाइम देना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, एंड जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो बकायदा वो कैरेक्टर बन के आते हैं. और देखिए एक टेलीविज़न आज जो एस्टैब्लिश लोग हैं उनके साथ तो सब लोग काम करते हैं, है ना, तो उसमें एक यू नो चैलेंजिंग फैक्टर कम रहता है, बिकॉज वो पॉलिश्ड रहते हैं, एक्टिंग में प्रोफेशनल्स होते हैं. नए आर्टिस्ट को समझाना पड़ता है कि आपका कहाँ पे कौन से मूड में आपको स्माइल करना है, कैसे देखना है, यू नो ईच एंड एवरी मोमेंट. आप वॉक करेंगे तो वॉक का आपका जो एक एटीट्यूड है वो कौन सा, मतलब मीटरिंग वाला एटीट्यूड रहेगा. यू नो मोहित ने भी जो इसमें एक इनोसेंसी जो पूरा दिखाया है तो उसका एक मीटरिंग पूरा एक यू नो ग्राफिंग स्क्रीन प्ले हुआ था. तो आज मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंट है और रहेगा कि मैं नए कोई भी आर्टिस्ट हो उनसे एक अच्छा सा पोर्ट्रे हम करा सकते हैं, उनका अपॉर्चुनिटी भी बनता है. जो हमारे मार्केट में नए टैलेंट्स है तो दे डिजर्व एन अपॉर्चुनिटी, हु आर टैलेंटेड, हु अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, हु आर विलिंग टू वर्क हार्ड मोर एंड मोर. जी थैंक यू. जी तीन एल्बम हाल मेरा सिर्फ इरा दिल और योर गर्लफ्रेंड, वो पंजाबी सॉन्ग है. देखिए चैलेंजिंग तो हर फील्ड में होता है, यू नो कोई भी आप कोई भी सेक्टर ले लो चैलेंजेस कहाँ पे नहीं है, बट ये फील्ड में ज़्यादा चैलेंजेस है. एंटरटेनमेंट फील्ड है, ग्लैमर है, एवरीवन वांट अ ग्लैमर, यू नो मतलब चकाचौंध वाली ये चीज़ होती है. एंड जैसे कि आपने बताया कि पैंडिक में ये 2-3 गाने निकालना, और ये गाना का जो हमारा मूड था, जो हमारा गाने के जो तीनों गाने हैं तीनों का एक मूड अलग अलग है. हाल मेरा है पूरा रोमांटिक गाना है, सिर्फ इरा दिल सैड है, और जो योर गर्लफ्रेंड है पूरा एकदम जोली पंजाबी गाना है.
यू नो, तो आज इंडस्ट्री में कंपटीशन है, आप अच्छी चीज़ बनाइए, आप मुझे क्या पसंद है ये मैं नहीं सोचता हूँ, ये गाने के थ्रू कितने लोग पसंद करेंगे ये मैं चीज़ें सोचता हूँ, ये इस हिसाब से मैं कैरेक्टराइजेशन करता हूँ और स्क्रीन प्ले को मैं डेवलप करता हूँ। कल मैं एक मेरा गाना जो रिलीज़ हुआ है हाल मेरा, उसका एक मैं यू नो एक ग्राफिंग देख रहा था, तो 96.79% लोग ने लाइक्स दिया है, 96.79%। तो ये बहुत ही, और न्यू टैलेंट्स के साथ म्यूजिक डायरेक्टर भी हमारे नए हैं, लिरिक्स राइटर आज 15 साल से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, तो आज अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, जब तक एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आज उनके गाने की तारीफ हो रही है कि क्या लिखा है, बड़े बड़े दिग्गज लोग आज उसके गाने की तारीफ कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू जियो म्यूजिक कि कहीं ना कहीं एक इंस्पायर हम लोग हुए हैं कि नहीं, एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए यू नो है इस इंडस्ट्री में, अगर आप अच्छी क्रिएटिविटी लाते हैं देन देयर इज अ स्कोप एंड देयर इज यू नो देयर आर पीपल हु विल अप्रिशिएट यू। यस मैम, जी जी, पर म्यूजिक में सिर्फ 3 से 4 मिनट में आपको एक स्टोरी लाइन बनानी हो, जी मैम, तो ये कितना मुश्किल होता है कि ना डायरेक्टर के लिए या फिर एक स्क्रिप्ट राइटर के लिए, कि 3 मिनट में उसको पूरी स्टोरी बतानी पड़ती है सॉन्ग से रिलेट करके। आपके अगर क्वेश्चन, मुझे एक चीज़ याद आ गई, जब हम गाना डेवलप कर रहे थे तो हमारे लिरिक्स राइटर ने, मैं सोचा कि पिंटू भाई मुझे कुछ यू नो इनोसेंस, मेरे कुछ कॉन्सेप्ट में वल्गारिटी या यू नो नहीं रहता है, मेरे बहुत ही प्यारे सिंपल और मैसेजफुल गाने रहते हैं, तो मैं अपने लिरिक्स राइटर, उन्होंने गाना बना के दिया, तो जो प्रिया की लाइन्स थी तो पूरा वही लाइन पर गाना उन्होंने एंड किया। मैंने बोला सर मुझे गाने को एंड करना है, आई वॉन्ट टू कंप्लीट द स्टोरी, आई वॉन्ट अ मेल पोर्शन ऑल्सो, एंड देन यू नो माई डेवलपमेंट कम्स इन टू द यू नो ज़्यादा आया, तो कहीं ना कहीं 4 मिनट में हमें एक स्टोरी कंप्लीट करनी है। जैसे कि हमारे जितेंद्र साहब है, उन्होंने गाना लास्ट हमारा जब से तुम आयो देखा था, तब उनका एक रिव्यूज़ था जितेंद्र त्रेहान जी का, कि वो गाने में उनका एक रिव्यूज़ था कि एक स्टोरी चल रही है, कि ये गाना नहीं है ये स्टोरी चल रही है, उन्होंने बोला था, पब्लिक को अपील किया था कि आप ये गाना ज़रूर देखेगा, मुझे याद है अभी भी। तो मेरे हर गाने में आपको एक स्टोरी मिलेगी, बिकॉज आप कैसे पोर्ट्रे करते हो, आप कैसे डिज़ाइन करते हो, दैट्स इम्पोर्टेंट है ना। तो आज गाने के थ्रू भी एक मैसेज समाज में देना, ये भी एक हमारा यू नो एक जिम्मेदारी बनती है, और आई एम होपफुल कि यू नो ईच एंड एवरी गाने में कुछ यू नो कंसेप्ट हो तो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और गाने को अप्रिशिएट मिलेगा। फेब्रवरी इन्होंने एक फिल्म में कास्ट किया था, मैं सूरत में था, केस ऑफ गिल। ये मुझे गाने सुना रहे थे उसमें, वैनिटी वैन में बैठ के, मैं ये गाना, इतना पैशनेट इंसान है ये लगता है इसी में जीता सोता है सब कुछ। और जैसे कोई ऑफिस में काम करते हैं ना, बहुत अच्छा लेटर ड्राफ्ट किया, स्क्रूटनी किया, सब कुछ किया, अगर एक डिस्पैचर ने उसे गलत एड्रेस पे भेज दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रहता ना। तो हर डिपार्टमेंट चौकस होना चाहिए कि बहुत अच्छा लिखा हुआ, बहुत अच्छा गाया हुआ, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, इन्होंने अपने विज़न से उसको ऊपर उठाया, कैमरे से सारी इमोशन दिखाना, लिखना बड़ा आसान है, बोलना बहुत आसान है, जो डायरेक्टर है वो कैमरे से अपना कॉन्सेप्ट लिखता है, वो कैमरे को एज ए रिकॉर्डिस्ट यूज़ करता है, मुझे ये चाहिए, ये नहीं कि कैमरामैन आपके ऊपर हावी है तो आप डायरेक्टर नहीं है, ये डिमांडिंग है आदमी। तो इन्होंने हर डिपार्टमेंट इतनी अच्छी सब चीज़ें बनी थी ना उसमें, जैसे 4 चांद लगाए अपने कंसेप्ट से, तो बहुत, मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, मैं तो मतलब आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड विद हिम, बहुत बढ़िया इंसान, सारे गाने मैंने देखे वहाँ इनके, बहुत अच्छे। फिर फिरे दिल का क्या है भरोसा, जाने कब किसे दे जाए धोखा।